हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुलबर कुलबीर में। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो हरियाणा ग्रुप डी की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका 32वां प्रैक्टिस सेट है। 31 प्रैक्टिस सेट इससे पहले आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो जिसने भी अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है, वहाँ से आप इन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही इन वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर कूल बॉय कुलबीर लिख के आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सारी PDF आपको मिल जाएंगी विद आंसर की, तो वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब करेंगे नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अदरवाइज़ आप कहीं और जाके अपनी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पुलिस का मुख्यालय किस नगर में स्थापित हुआ है? तो हरियाणा पुलिस का जो मुख्यालय है ये आपका पंचकुला के अंदर है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा की बेटी है सुनीता सिंह गुर्जर, इनका संबंध किस चीज़ से है? तो ये है एक पर्वतारोही दोस्तों, याद रखना, पहले वाले वीडियो में भी करवाया था, अभी फिर से आया है तो याद हो जाना चाहिए आपको। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक लोक साहित्य संग्रहालय है, कौन सा है? वो आपका उरुस्वती संग्रहालय, याद रखना दोस्तों, कौन सा है? उरुस्वती संग्रहालय। ठीक है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातत्विक स्थलों पर प्रकाश डालने वाला कौन था? ये था आपका BB लाल, सी ऑप्शन हो जाएगा, BB लाल। बेगना किसकी सहायक नदी है? बेगना है आपकी मारकंडा के दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभियान क्षमता की पहचान किसने की? ये पहचान की थी दोस्तों पीटर जैक्सन ने। ठीक है, सुल्तानपुर आपका कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1985 के अंदर। हरियाणा में जींद जिले के नरवाना तहसील में गुरुद्वारा दमतान साहिब किस गुरु की याद में बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था गुरु तेग बहादुर की याद में। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें, तो इनमें से बात करें, देखिए सुखना झील शिवालिक पर्वत के तलहटी पर है। ठीक है, AP शर्मा इसके मुख्य अभियंता थे। ठीक है, यह कृत्रिम झील 1998 में बनाई गई थी, झील आएगा। ठीक है, तो सही है तीनों की तीनों, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। ठीक है, हरियाणा में गणगौर त्यौहार देवी किसके सम्मान में की जाती है? तो ये किया जाता है आपका गौरी देवी की। ठीक है, बी ऑप्शन। हरियाणा का एक स्थान लोहागढ़ निम्न में से किस शासक की राजधानी रहा है? लोहागढ़, तो ये रहा है आपका बाबा बंदा बहादुर की। ठीक है, हरियाणा भारत में अवस्थित है कहाँ पे? उत्तर मध्य में। ठीक है, डी ऑप्शन। उसके बाद द्रोणाचार्य स्टेडियम हरियाणा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो द्रोणाचार्य ये आपका स्टेडियम जो है कुरुक्षेत्र के अंदर है दोस्तों। ठीक है, द्रोणाचार्य के नाम पे गुरुग्राम का नाम रखा गया था, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे। ठीक है, ओलंपिक खेलों में कुश्ती में पहला पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी हैं कौन है? पहला महिला पदक जीता साक्षी मलिक ने। ठीक है, डी ऑप्शन। हरियाणा में सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया है? तो ये किया गया यमुनानगर में दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चौधरी बंसीलाल खेल स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा रोहतक के अंदर दोस्तों, बी ऑप्शन। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2001 के अंदर। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं? तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतें आपकी यमुनानगर में है दोस्तों। चंडीगढ़ की आंत किसे कहते हैं? तो ये बोलते हैं जो औद्योगिक क्षेत्र है उनको। ठीक है, डी ऑप्शन। हरियाणा का सबसे पुराना बस स्टैंड जिसका निर्माण 1950 में हुआ था कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है अम्बाड़ा के अंदर दोस्तों। ठीक है, हरियाणा के कितने जिलों की सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है? तो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है 3 जिलों की सीमा है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में सर्वाधिक वृक्ष पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? ये पाया जाता है इजरायली बाबुल। ठीक है, डी ऑप्शन। हरियाणा में वर्ष भर सर्वाधिक पर्यटक किस जिले में आते हैं? तो सबसे ज़्यादा पर्यटक जो आते हैं वो कुरुक्षेत्र में आते हैं दोस्तों, वहाँ पर सारी जो दर्शनीय स्थल हैं वो सारे आपको वहाँ पे दिखाई देते हैं। किस शहर को आइकॉनिक सिटी बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी आपकी गुरुग्राम। हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत BPL वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर अब कितने रुपए राशि दी जाएगी? तो अब दी जा रही है, फिलहाल दी भी जा रही है ये राशि। ठीक है, 41,000 और अभी फिलहाल 71,000 दी जा रही है दोस्तों। ठीक है, वैसे इसका आंसर 41,000 आएगा, फिलहाल की बात करें तो फिलहाल में तो 71,000 भी आपके इन परिवारों को दिए जा रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद मैथ और रीजनिंग ये आप खुद से करके देख लेना दोस्तों, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ पे आंसर की भी है, तो वहाँ से मैच कर लेना फिर, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी की। ताप का विलोम शब्द क्या होगा? ताप का विलोम हो जाएगा शीत। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो इनमें से जो सही है वो आपने सौहार्द्र ये वाला सही है। संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की, तो उसने कभी शिकायत नहीं की क्या आना चाहिए? किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। उसके बाद दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। पिताजी को मुझे कुछ रुपए दिए, कोई त्रुटि नहीं, पिताजी ने आना चाहिए था, क्या आ गया इन? तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बिल के भुगतान न करने पर माल वापस होगा, बिल का आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 45 का भी? बिल का भुगतान न करने पर तुम्हें माल वापस हो, ये दूसरा ऑप्शन गलत है। बिल के भुगतान न करने पर, बिल के भुगतान तो सही है, तो दूसरा हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, न करने पर तुम्हें, तुम्हें नहीं आया तुम्हारा आया, ठीक है, तो दूसरा गलत होगा। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपने बताना है, तो देखिए, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं दोस्तों जिगीसु, बी ऑप्शन, ठीक है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। नई वस्तु की खोज को क्या कहते हैं? तो नई वस्तु की खोज को बोलते हैं आविष्कार। दिए गए शब्द का विलोम बताना, मौन का, मौन का मतलब चुप रहना होता है, तो इसका विलोम अगर बात करें तो ये हो जाएगा वाचाल, बोलने वाला, ठीक है। पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, तो पानी फेर देने का मतलब हो जाएगा बिगाड़ देना, डी ऑप्शन। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे बुलाया ना गया, बिना बुलाए आने वाला कौन होता है? अनाहुत, ए ऑप्शन, ठीक है। ये रीजनिंग है, रीजनिंग को आप कर लेना खुद से, टेलीग्राम ग्रुप पे आंसर की आपको दे दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब चलते हैं साइंस की ओर, जो कि बाईलैंग्वेल है, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसके क्वेश्चन दिए गए। एक नोट का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, किसका, किसका उपयोग करते हैं? ये करते हैं जहाज़ों की गति का, ठीक है। उसके बाद वह अंग जो शराब पीने के कारण क्षतिग्रस्त होने की संभावना है, तो शराब पीने के कारण कौन सा लीवर को ज़्यादा खतरा रहता है? बी ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आयरन की कमी के कारण होती है? तो आयरन की कमी से होती है आपकी एनीमिया दोस्तों, सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है जेनेटिक इंजीनियरिंग किसकी एक शाखा है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग आपकी बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की। सड़कों पर बर्फ़ पिघलाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो सड़कों पर बर्फ़ पिघलाने के लिए मिलाते हैं नमक, डी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है? कठोर पदार्थ होता है दांतों का जो एनिमल होता है, बी ऑप्शन, ये वाला, ठीक है। रंग अंधापन से ग्रस्त व्यक्ति इनमें अंतर नहीं कर पाता, यानी जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है वो किस किस रंग को नहीं देख पाता, वो लाल और हरे को नहीं पहचान पाता, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी है? ये गैस है आपकी ऑक्सीजन। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्यूज एक मिश्र धातु है, किस चीज़ की? इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो टीन और शीशे के होते हैं दोस्तों, सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है मोनोऑक्साइड का प्राथमिक स्रोत क्या है? मोनोऑक्साइड का प्राथमिक स्रोत हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रीवेन, ठीक है। उसके बाद है बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? ये हो जाएगा आपका मीथेन। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर में ईंधन की तरह कार्य करता है? ईंधन की तरह कौन कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को बनाए रखती है? तो शरीर के तापमान को कौन बनाए रखती है दोस्तों? देखिए, शरीर के तापमान को बनाए रखती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है लैक्टोबैसिलस आमतौर पर पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? यह पाया जाता है दही में दोस्तों, बी ऑप्शन, खट्टे पदार्थ में, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, किसमें? ये करते हैं रेफ्रिजरेटर में, ठीक है दोस्तों। अब इंग्लिश के क्वेश्चन है, ये देख लेना, फिल इन द ब्लैंक। हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रियोरिटी एंड शुड नेवर बी, क्या नहीं होना चाहिए? नेगलेक्टिंग, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ए कलर ब्लाइंड पर्सन इज नॉट एबल टू खस्तान बिटवीन कलर्स, क्या नहीं कर पाता वह बीच में, दोनों के बीच में, ये हो जाएगा डिस्टिंग्विश,
ठीक है, भेदभाव नहीं कर पाता, उनको पहचान नहीं पाता। उसके बाद लक्की हैज ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल। ठीक है, इसमें ग्रामेटिकल एरर जो है वो आपने बताना है। तो ये हो जाएगा लक्की हैज ऑलरेडी, ए ऑप्शन। ठीक है, पैसिव फॉर्म में इसको बदलना है। पीपल क्लेम टू हैव सीन द विल्ड एंड मैड एलिफेंट इन सेवरल सिटीज। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, द विल्ड एंड मैड एलिफेंट वाज क्लेम टू बी सीन बाय पीपल इन सेवरल सिटीज। उसके बाद आपने अंडरलाइन वर्ड जो है इसका मतलब बताना है। आई विश आई इफ आई वाज द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। तो इसमें किसमें गड़बड़ है ये आपने बतानी है। तो देखिए आई वर आएगा इसकी जगह, ठीक है। उसके बाद एटीवर्ड का जम्बल्ड है, इनको आपने देखना है कौन सा ऊपर नीचे आएगा। तो इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा, ए सी बी डी, इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ए शॉर्ट स्टोरी विद ए मोरल यूजली विद एनिमल एज करेक्टर। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फेबल, एफ ए बी एल ई, ठीक है। उसके बाद अमित हैज़ द गुड कमांड ऑन इंग्लिश एज ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड। तो इसका क्या हो जाएगा, ए गुड कमांड ओवर, ठीक है, ऑन की जगह क्या आएगा, ओवर आएगा। उसके बाद फ्यूल टू द फायर, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी आग में घी डालना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू मेक ए बैड सिचुएशन रोज, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम आपने बताना है डेफिशिएंसी का, तो इसका हो जाएगा आपका इनएडेक्सी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, ये होता है आपका राज्यपाल, ठीक है, राज्य सरकार का पूछा इन्होंने। भारत में इस समय शामिल है, भारत में जो है अभी कितने हैं, 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों याद रखना, कहीं भूल गए हो, 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। विधानसभा पर धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है, तो ये होता है आपका राज्यपाल की अनुमति पर। भारतीय संविधान वह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है, तो कौन से राज्य में ये नहीं है, तो देखिए इनकी बात करें तो जो सिक्किम है यहाँ को छोड़ के बाकी त्रिपुरा मेघालय मणिपुर सारे के सारे इस बात को फॉलो करते हैं। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई। वन नीति आपकी 1952 में आई दोस्तों, ठीक है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है, जायकवाड़ी आपकी गोदावरी नदी पर। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो कहाँ पर है, तो ये आपकी एंडीज पर्वत, ठीक है। राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत खर्चे की कुल निधि का कितना प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये दिया जाता है 90% दोस्तों, ठीक है, कितना 90%। जोग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात जो है किस राज्य में, जोग जलप्रपात या फिर इसको हम गरसोप्पा ही बोलते हैं, तो ये आपका है कर्नाटक के अंदर, ठीक है, डी ऑप्शन। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, तो अब्दुल्ला साहिद जो हैं ये मालदीव से हैं, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है, इसमें अब कितने नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई है ब्रिक्स के अंदर, तो इसमें 6 नए देश शामिल करने की घोषणा की गई है दोस्तों। भारत के नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं, ठीक है, तो जो नई संसद त्रिभुजाकार जो बनी है, हमने पहले वाले वीडियो में बात किया था, तो इसमें 1272 सदस्य एक साथ बैठ सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुदान संस्थान यानी कि इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया है, तो ये किया है 14 जुलाई 2023 को दोस्तों, कब, 14 जुलाई 2023। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया है, तो ये किया गया है आपका पालपुर क्रूनो का, ठीक है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन आज का, किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है गन्ने के बीच दोस्तों, ठीक है। ये था आज का वीडियो, यहाँ पे इसके आंसर की दे दी गई है, जिसको भी डाउनलोड करनी है तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है टेलीग्राम ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे तो हमने दे दिया है, अगर फिर भी नहीं पता तो आप टेलीग्राम पे कूल बॉय कूल बीर लिख के सर्च कर लेना, पहला ही चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।